हेलो व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बनाऊंगी एकदम नए तरीके से मूंगफली की बर्फ़ी। आपको यह रेसिपी कहीं नहीं मिलेगी, यकीन मानिए। यह हमारी बहुत ही बढ़िया मिठाई बनकर के रेडी हुई है। मैं आपको चेक करके दिखा देती हूँ। देखिए कितनी बढ़िया हमारी बर्फ़ी बनकर के रेडी हुई है। देखिए आप भी मेरी इस रेसिपी से एक बार ये बर्फ़ी ज़रूर बनाएं। मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह आपको मेरी रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। वीडियो को फुल देखिएगा, इसके बिल्कुल ही मत करिएगा। तो चलिए बनाने स्टार्ट करते हैं। इस मिठाई को बनाने के लिए देखिए, मैंने 400 ग्राम मूंगफली के दाने लिए हैं। इनको मैंने सेक करके इनके छिलकों को हटा लिया है। अब मूँगफली के दानों को हम मिक्सी की हेल्प से बारीक पीस लेंगे। मूंगफली के दानों को देखिए मैंने बारीक पीस लिया है। अब इस मिठाई में देखिए हम शक्कर की जगह मिश्री ऐड करेंगे। तो मैंने 200 ग्राम मिश्री ली है। इसके धाव को मैंने काफ़ी हद तक हटा लिया है। मिश्री को हम फ्राई पैन में ऐड कर देंगे। ये मिश्री के धावों को हटाने से पहले मिश्री को मैंने धो लिया था। मिश्री चाहे आपको कितने भी साफ लगे, लेकिन मुझे लगता है कि थोड़ी बहुत किरकिरी होती ही है। अब इसमें देखिए हम 1 कप पानी ऐड करेंगे। चूल्हे को ऑन कर देंगे। फ्लेम को हाई रखेंगे और हाई फ्लेम पर मिश्री को मेल्ट कर लेंगे। मिश्री के मेल्ट होने तक हम इसको इसी तरीके से चलाते रहेंगे, वरना हमारे मिश्री तले में चिपक सकती है। इसकी हम चाशनी तो नहीं बनाएंगे, लेकिन इसको हम हल्का सा चिपचिपा होने तक पका लेंगे। आप चाहो तो इसमें मिश्री की जगह शक्कर भी ऐड कर सकते हो, लेकिन जो लोग शक्कर नहीं खाते हैं ये उनके लिए है। अगर आप इस मिठाई के लिए मिश्री ले रहे हैं तो आप धागे वाली मिश्री ही लें, दाने वाली मिश्री नहीं लें। आप चाहो तो इसमें गुड़ भी ऐड कर सकते हो। ये देखिए इसमें उबाल आना स्टार्ट हो चुका है। अब फ्लेम को हम मीडियम कर देंगे और मीडियम फ्लेम पर हम इसको हल्का सा गाढ़ा होने तक पका लेंगे। ये मिश्री भी देखिए इसमें मेल्ट हो चुकी है, और देखिए हमारी चाशनी भी हल्की सी गाढ़ी हो चुकी है। देखिए थोड़ी चिपचिपी सी लग रही है, हमें इसी तरीके की चाशनी चाहिए। अभी देखिए ये मैंने 4 इलायची ली हैं, इनके दानों को निकाल करके मैं इमामदस्ते में कूट लिया है। अभी देखिए मेरे पास करीब 100 ग्राम जितना मावा है, मैंने इसको देखिए इस तरीके से तोड़ लिया है। ये मेरा घर का बना हुआ मावा है, मावे को भी हम इसमें ऐड कर देंगे, और मावे को हम इसमें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मावे को मैंने मिठाई के टेस्ट को बढ़ाने की वजह से ऐड किया है। अगर आपके पास मावा है तो डालें, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप इसको बगैर मावे के ही बना लें। ये बगैर मावे के भी हमारी मिठाई बहुत बढ़िया बनकर के रेडी होगी। ये मावा देखिए इसमें अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब फ्लेम को हम लो कर देंगे और ये मूँगफली के दानों को हम इसमें ऐड कर देंगे। और इसको भी अच्छे से मिक्स कर देंगे और फ्लेम को हम लो रखेंगे, और लो फ्लेम पर इसको हम बढ़िया गाढ़ा होने तक पका लेंगे। इसमें देखिए ये मैंने 4 चम्मच बेसन लिया है। ये मेरा सिका हुआ बेसन है। बेसन को भी इसमें ऐड कर देंगे। बेसन को भी इसमें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। लो फ्लेम पे हम इसको तब तक पकाएंगे हमें लगने लगे कि हमारा मिश्रण फ्राई पैन के तले को छोड़ने लगा है। ये बेसन को मैंने मिठाई की बाइंडिंग की वजह से ऐड किया है। अगर आप चाहो तो इसमें मिल्क पाउडर भी ऐड कर सकते हो। ये सिके हुए बेसन का हमारी मिठाई के अंदर बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आएगा। ये हमारी बहुत ही टेस्टी मिठाई बनकर के रेडी होगी। हमारा मिठाई का टेस्ट खराब हो जाएगा। अगर आप इसमें बेसन ऐड कर रहे हैं तो बेसन को आप पहले सेक लें, उसके बाद ही इसमें ऐड करें। आप इसमें कच्चा बेसन ऐड नहीं करें। ये देखिए हमारा मिश्रण बढ़िया गाढ़ा हो चुका है। इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट है। अब फ्लेम को तो ऑफ कर देंगे। अभी देखिए ये मैंने ट्रे ली है, इसको मैंने घी लगा करके अच्छे से ग्रीस कर लिया है। अगर आपके पास इस तरीके की ट्रे नहीं हो तो आप किसी भी तरीके की प्लेट ले लें। अभी मिश्रण को हम ट्रे पे निकाल लेंगे। अभी मिश्रण को हम ट्रे में फैला देंगे, इसको हम अच्छे से सेट कर देंगे। अब इस पर हम देखिए चांदी की बर्फ लगाएंगे। इनको देखिए इस तरीके से आराम से लें, और इनको देखिए इस तरीके से लगा दें। इनको पेपर से ही सेट करें। अगर आप इनको हाथों से सेट करोगे तो बहुत सॉफ्ट होते हैं, हाथों से ही चिपक जाते हैं। अभी देखिए थोड़ी सी जगह खाली बची है, इन पे हम बादाम की कटिंग लगा देंगे।
कटिंग को अच्छे से सेट कर देंगे। ये देखिए ये ट्रे को जमा करके हमने रेडी कर लिया है, लेकिन इसमें से हम पीस अभी कट नहीं करेंगे। पहले इसको हम थोड़ा ठंडा कर लेंगे, उसके बाद हम इसमें से पीस कट करेंगे। तो इसको 10 से 15 मिनट के लिए ऐसे छोड़ दें, जिससे क्या है थोड़ी ठंडी भी हो जाएगी और अच्छे से सेट भी हो जाएगी। हमें इसको ठंडा होने के लिए रखे हुए, देखिए 15 मिनट हो चुके हैं, ये ठंडी भी हो चुकी है और अच्छे से सेट भी हो चुकी है। अब इसमें से हम पीस कट कर लेंगे। तो पीस आप आपकी पसंद के हिसाब से कट कर लें, जैसे भी आपको पसंद हो। देखा आपने ये कितनी बढ़िया हमारी बर्फी बनकर के रेडी हुई है। तो आप भी मेरी इस रेसिपी से एक बार देखिए, मैं आपको चेक करके दिखा देती हूँ। कमेंट में लिखकर के बताइए ज़रूर कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। बाय, अल्लाह हाफिज़। फिर मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ।